एम्पायर ने की चीटिंग इंडिया टीम के साथ में तो भड़क पड़े रोहित शर्मा और विराट कोहली। दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन के लास्ट सेशन में इंडिया टीम ऑल आउट तो हो चुकी थी और जहां पर 107 रन का टारगेट दे दिया था इंडिया ने, और इंडिया सोच रही थी कि स्टार्टिंग में एक दो विकेट निकाल लेंगे और लास्ट के सेशन में जहां पर 2-5 ओवर मिलेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जहां पर हमें देखने को मिला जैसे ही बैटिंग करने आते हैं और 4 बॉल ही फेंकी थी, बॉल काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रही थी और इंडिया टीम चाह रही थी कि मैच थोड़ा चलता रहे, लेकिन एम्पायर रोक देते हैं मैच और थोड़ा क्लाउडी वेदर हो जाता है उसकी वजह से और बोल देते रोशनी का मैं। वहीं पर विराट कोहली रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं और बोलते हैं कि हम स्पिनर से बॉलिंग कराते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वहीं पर लैथम और यहाँ पर कौन भी सीधा निकल जाते हैं और बहुत देर तक इन दोनों के बीच बहसबाजी होती है और यहाँ पर फोर्थ एम्पायर भी आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। उसके बाद मैच तो वैसे ही रुक ही गया था। आपको लगता क्या मैच होना था कि नहीं, क्योंकि विकेट जल्दी इंडिया को मिल जाते हैं? कॉमेंट सेक्शन था, चैनल को सब्सक्राइब।